बारिश नहीं हो रही थी, जस्ट अपनी बारिश के लिए कौन लिखना खा जाए यार, लिखना 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 छाड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो यस, मैं पता है मैं रेडी जब होती जब मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। मेरे साथ आज अलता प्यारा है, और कहाँ जा रही वो लोकेशन पहले आप लोगों को बताऊँगी मैं, फिर तुम लोग से पूछेंगे कि लोकेशन कहाँ पर है। अगर अच्छा आंसर बता तो ठीक है, तो चलो मैं ऑलमोस्ट रेडी होगी, बस मुझे हिजाब बांधना है, फिर हम निकलते हैं। चलो अभी मैं स्कार्फ सोची थी बांधू, पर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कैसे बांधू, इसलिए मैंने फिर स्कार्फ कैसे नॉर्मली रख लिया। सर ऐसे अच्छा लग रहा कि मैं फिर लूँ। ये जो ड्रेस है ना, पाँच साल पुराना ड्रेस है, जो मेरा टॉप है ना 5 साल पुराना चलता। फिर बोलेगा कि मैं अपनी चीज़ों को बड़े संभाल कर रखती हूँ। चलो जल्दी, तबीयत भी नहीं सही लग रही, पानी भी नहीं पीते, बारिश नहीं हो रही थी, जस्ट अपनी बारिश के लिए कौन किधर है? तो अभी हम लोग बाइक वहाँ पे खड़ी कर दिए क्योंकि ऊपर और बाइक नहीं जा सकती है, कि हम लोग यहाँ से भी ना पाव पाव चाहेंगे। शुक्र है बारिश रुकी है, अब रुक ही रहे बारिश तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बस वीडियो बन जाए, फिर जितना बरस नहीं आ जाता उतनी बारिश करवा देना। इसे तो रहमत है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, सांस फूल रही मेरी। आपके बाप ये देखो जिधर आप उधर से आते थे ना, पानी भाई गिर रहा नहीं, तो गाइस इतनी पतली गली से हम कर कर आए हैं इस छोटे घर में। चलो टैक्स लिखना खा जाए यार। अच्छा ये छोटा झरना है, ये है छोटा झरना जो हमने वहां पर थे, वो बड़ा झरना था ये वहां से। हाँ ये वहां का पानी यहाँ पे बह रहा है, बड़े से अच्छे छोटा। हाँ ये तो है, वैसे फाइव पे कर लो, फाइव पे कर दो। हाँ नजदीक तो जा नहीं सकते, नजदीक जाएंगे तो पूरे भीग ही जाएंगे, अब भीगने का तो जरा भी इरादा नहीं है। वैसे यहाँ पे ज्यादा से रिस्क लग रहा है, ये कितना मस्त लग रहा है, आधी दुनिया दिख रही है आपके साथ।
हाँ, जब भी हम लोग यहाँ पे होंगे वहां पर नहीं होंगे। यही से यहाँ से नहीं उतर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। अच्छा पता नहीं, एक साइड पे तो धंधे धंधे कहाँ भी जाएंगे। तो मस्त है, अभी अभी यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे लोग आके नहा रहे हैं। ये जो मेरे को वीडियो ऑलमोस्ट हो चुका है, तब हम उतरेंगे कहाँ से, तुम्हें बताते हैं। यहाँ से उतरने वाले जो लोग आ रहे हैं ना, वहाँ से उतरेंगे। देखिए कितना ऊपर है, मुझे आगे ऊपर के कितना नीचे जाना पड़ेगा। अभी तो मेरा पूरा पैर भीग ही जाना है। पूरा मेरा सॉक्स पैर दोनों भीग चुका है। क्या भाई, बाप रे बाप। पता से चल रहा है, भीग के चल रहा है। इधर से चलो, कहाँ यहाँ पे मैं कैमरा कहाँ रख रही हूँ। यहाँ पे गंदगी बड़ी है, यहाँ पे सब लोग क्या शौचालय बना के रखे। छी यार, ये तो बहुत ज्यादा ही गंदा है यहाँ पे। अरे खुद से जूती में पानी भर गया है। अच्छा वो शूज नहीं पहन गई मैं, वरना पता नहीं क्या हाल होता। और ये जो है ना, ये हमारा शिबली नगर, जिसने अगर जिसने बताया होगा कि कहाँ का लोकेशन है तो अच्छी बात है, और जिसने नहीं बताया तो मैं लोगों तुम लोग को बता दूँ कि शिबली नगर, जो शिबली नगर के ना अपोजिट साइड ये दोनों झरना है। हाँ ये देखो, ये देख के तुमको पूरा लोकेशन पता चल गया होगा मुमरा वालों को कि ये है शिबली नगर का झरना। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद फर्स्ट टाइम आई, इतने साल से हूँ मैं, कुछ 15-16 साल से मुमरा में आती, जबकि और आई मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे। शूज यहाँ खराब है, गलता खराब है यहाँ शूज का। तभी हमने जा रहे सीधा घर पर, तो ज्यादा थक गए, भीगने का इरादा नहीं था, बाकी फिर दादा का पैर भीग गया पूरा। कितने मुश्किल से हम लोग गए, ये देखो बरगद का झाड़ है गाइस, यहाँ पे समझ जाना क्योंकि यहाँ पे चुड़ैले लटकती रहती है। ऐसे ये खंडर घर है ना, कभी बंद घर में तो कभी मत देखना क्योंकि यहाँ पे भूतों का वास है, पूरी जगह भूतों का वास है। अरे ऐसा दिखा रही, बस मैं कुछ फोन लेकर ना भाग गया। झाड़ो से मुलाकात कर रहा था। देखो ये पुराना ट्रैक्टर, ताप बोल रहा था मेरे को लेकर आया, इसको भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तो ये बोल रहा था मेरे को भी कुछ खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मुझे मैगी पास्ता खाने का करके। तो मैं बस इसके यहाँ पर लेकर आई, चल भाई तो गया नहीं, आज मैं अभी तक पार्टी दे रही थी मेरी तरफ से। तभी हम लोग ने मंगाया अल्ताफ को खाना था क्या, हॉट कोरियन स्टाइल मैगी। मैंने रेड सॉस पास्ता मंगाई, तभी हमने ऑर्डर दे दिया कि हमारा ऑर्डर आया, अभी थोड़े टाइम से आ जाएगा। और क्या बोल चलता ब्रॉन, क्यों पेट दर्द हो रहा है, क्यों भूख लगी? अच्छा इसको भूख लगी, सब पेट हिल रहा है। डेकोरेट मस्त है यहाँ का, यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ मैं। एक तो मैं रोज़ सोचती हूँ मैं बाहर का नहीं खाऊँगी नहीं खाऊँगी, बट पता नहीं क्या होगा। और ये हफ्ते में इतना मैं बाहर का खा रही हूँ ना, घर का खाना खाने नहीं मिल रहा है, बट मैं नहीं खा रही, पता नहीं बाहर खाना तो ज़्यादा नहीं खाने लगती हूँ। अभी तो और खरीद जाऊंगी मैं, अभी तक ऑर्डर भी नहीं हम लोग का।
फ्रेंच फ्राइज भी मंगाए। आपका ये हॉट कोरियन मैगी स्टाइल आ चुका है, खा लेता है। ज़्यादा गर्म है, टेस्ट नहीं पता कैसा लग रहा है। और मेरा अभी तक पास्ता आया नहीं है, आ रहा है। कैसा है? मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा। कैसा लग रहा है? बहुत स्पाइसी है। अच्छा है, खा इंजॉय करो तुम। हमारा मूड तो भी आ चुका है। बस मेरा पास्ता अभी तक नहीं आया। मैगी पूरी ख़त्म हो चुकी है और अभी तक उनका पास्ता नहीं आया। हालांकि मैंने ये भी मैगी खाई है। और पास्ता आ चुका है फाइनली। अभी टेस्ट करके बताऊँ तो बहुत स्पाइसी होगा, खलता इसी पर जब मैगी ना तो व्हाइट सॉस पास्ता है, एकदम इसी की रेड सॉस पास्ता होती है। और आ चुका है बॉम्बे पिज़्ज़ा, नहीं सॉरी बॉम्बे सैंडविच, क्योंकि इसकी भूख मिटी नहीं रही। पता नहीं कौन सा जानवर जो तो खाता है, पर पता नहीं कहाँ जाता है। मैं पेट ज़्यादा मैं पैसा खाती हूँ, मुझे आलू ज़्यादा नहीं पसंद है, इसे मैं आलू निकाल देती हूँ। मेरा फ़ोन भूल गया था तो अच्छा है, मेरा फ़ोन भूल गया था तो अच्छा वो आके रिटर्न मेरे को दे दिए। मेरा फ़ोन इतना साल पुराना फ़ोन गया था, अभी हम लोग जा रहे रिटर्न घर पर। सो गाइस मैं वहाँ से जाकर आ चुकी हूँ और मैंने व्लॉग मतलब एंड करना ही भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ। और वो सेम मिर्चा जैसा लगता है कि खड़ी मशीन है, बट नहीं, वो खड़ी मशीन नहीं है, वो है जैसे तुम लोगों को बताया शिवली नगर का है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मानिंदा।